वेलकम टू माई चैनल मैथ्स इन वेन्स टूडे वी आर डूइंग अलिप्स पार्ट टू लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लिप्स देखिए ये जो अलिप्स है ये कौन सी डिग्री का इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का लिप्स है इसका हमने लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है सो इसका लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे शॉर्ट ट्रिक बट सबसे पहला जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है फर्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है ठीक है ए बड़ा है या बी बड़ा है इसमें बी जो है वो ग्रेटर देन ए है सो लेटेस्ट रेक्टम का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो जो फॉर्मूला है वो रहेगा ट्वाइस कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर कॉफिशेंट ऑफ एक्स केयर अपॉन अंड रूट कॉफिशियंट ऑफ वाइस ट्वाइस कॉफिशंट ऑफ एक्स केयर अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई स्केयर सो ट्वाइस कॉफिशियंट ऑफ एक्स केयर कितना है फोर और अनूट नाइन ये कितना आ गया टू फोर जाए एट एट बाई थ्री एट बाई थ्री ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस सम ठीक है जी क्या सीखा लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एक्ट्रम क्या लगाया शॉर्ट ट्रिक मैथड लगाया हमने दूसरा अगर ये वाला सम इस तरह से चेंज हो जाए कि नाइन एक्स केयर प्लस फोर वाई स्केयर माइनस एट एक्स माइनस थर्टी सिक्स वाई प्लस फोर इजिकल टू ज़ीरो देन तब हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो क्या होगा इसमें क्या है इसमें चेंज आ गई कि जो ए है वो ग्रेटर देन बी है नंबर वन सो लेटेस्ट रेक्टम क्या है ट्वाइस कॉफिशेंट ऑफ वाइस अपऑन अनूट कॉफिशेंट ऑफ एक्स के ट्वाइस द कॉफिशियट ऑफ वाई केयर अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स केयर अभी हमारे पास क्या आएगा ट्वाइस कॉफिशेंट ऑफ वाई केयर ये फोर है कॉफिशेंट ऑफ वाई केयर फोर है और कॉफिशेंट ऑफ एक्स केयर कितना है अनरूट नाइन है ये कितना आ गया थ्री के एट बाई थ्री है ठीक है जी इसका भी एट बाई थ्री आ गया ठीक है दोनों में ही सेम सिचुएशन बनी ना दोनों का आंसर सेम बन गया सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है हमने अभी नेक्स्ट सीखते हैं क्वेश्चन The eccentricity ऑफ द अलिप्स अलिप्स की हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है सो इसके लिए भी हम क्या करेंगे मैथड़ लगाएंगे जी अब देखेंगे कि इसमें a less than b है इस इक्वेशन में ठीक है वन छोटा है फोर से सो so, a less than b है सो so, eccentricity क्या आएगी वन माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्सकेयर अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई स्केयर जो चीज़ बड़ी होती है वो यहाँ नीचे आती है बस इतनी सी सेंट्रिसिटी का फार्मूला कॉफिशेंट ऑफ एक्स के ये फोर आ गया फोर माइनस वन ये थ्री बाई फोर आ गया अंडरूड थ्री बाई टू इज द राइट आंसर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है ठीक है जी समय लग गया अंडरूड थ्री अपॉन टू इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस और अगर इसी क्वेश्चन में हमें दूसरा एक पार्ट और देखें अगर हम इसमें बोल दे कि हाउ टू फाइंड सेंटर सेंटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे x वाली टर्म का सो so ये 2x एक्स प्लस आ जाएगा जीरो 2x एक्स टू माइनस टू इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस वन और एट प्लस सिक्सटीन इजिकल टू ज़ीरो सो एट वाई इज इकल टू माइनस सिक्सटीन इट मीन्स वाई इज एकल टू माइनस टू सो सेंटर इस केस में हमारे पास माइनस वन माइनस टू ये भी इसका शॉर्टकट मेथड है दूसरा ठीक है दो चीज़ें हमने इसी क्वेश्चन में सीख ली हैं कि एक तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना दूसरा कि अगर सेंटर ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करना है तो ये वाला मेथड है सिंपल वे से आप सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं अब ये जो क्वेश्चन है दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई ऑफ द एलिप्स अपॉन द टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट थ्री बाई टू फाइव अंड्रेड थ्री बाई टू इज सो जो हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई टू द टेंजेंट टू द एलिप्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी केयर के इक्वल होता है फॉर्मूला में लिखना चाहता था वो अलिप्स का हमारे पास बी केयर के इक्वल होता है और जो बी केयर होता है वो कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी आना चाहिए पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए और बी हमारे पास क्या है ये है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ का स्केयर सो so, जैसे ही मान लीजिए ये अलिप्स है एक्स स्केयर बाय नाइन प्लस वाई स्केयर बाई ट्वेंटी फाइव इक्वल टू वन है सो इसमें एक्स स्केयर बाय नाइन सो ए थ्री है बी हमारे पास फाइव है ए लेस देन बी है ए लेस देन बी है सो so, इसमें हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस सॉरी सेमी माइनर सेमी माइनर सेमी माइनर एक्सिस क्या होगी थ्री के इक्वल क्योंकि जब ए लेस देन बी है तब हमारे पास फॉर्मूलो में हमने देखा था कि जो माइनर एक्सिस है वो क्या होती है वो होती है हमारे पास टू ए के इक्वल लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस टू ए के इक्वल होती है और यहाँ पे माइनर एक्सिस है थ्री और इसका प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा थ्री का स्केयर दैट इज नाइन इज आर रिक्वायर्ड आंसर सी इज द राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था ठीक है डिपेंड्स अपॉन द आर्टिकल आर्टिकल पे डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन ठीक है जी चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ सी सच दैट द लाइन वाई इज इकल टू फोर एक्स प्लस सी टच इज द कर्व कर्व को टच करती है सो so, कोई भी लाइन uh, है कर्व मतलब यानी कि ये अलिप्स है अलिप्स को टच करती है तो जो सी होता है वो होता है प्लस माइनस अंडरूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर अभी इसमें ए स्केयर कितना है फोर बी स्केयर कितना वन और एम कितना है फोर इट मीन्स एम स्केयर कितना आ जाएगा सिक्सटी सो सी so, क्या है आएगा प्लस माइनस सिक्सटीन इंटू फोर प्लस वन प्लस माइनस हंड्रोड सिक्सटी फाइव सो कितने पॉइंट बने टू पॉइंट बने कितने पॉइंट बने टू पॉइंट सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ सी सी की कितनी वैल्यूज आएंगी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टच करती है इस कर्व को तो so, कितने पॉइंट पे टच करेगी क्योंकि प्लस माइनस हंड्रोड सिक्सटी फाइव है तो ये दो पॉइंट पे टच करेगी

of the ellipse ellipse equation x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 and and p of xy a point on it a point on it the value of the value of s p plus s dash p is so ये जो वैल्यू होती है ये किसके इक्वल होती है ये तो हमने फार्मूले में भी पढ़ा था कि ये जो वैल्यूज होती है एस पी ये S ellips, ये एस डैश ये है ये एस है ये पी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एस पी प्लस एस डैश पी ये टू ए के इक्वल होता है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस दैट इज टूल होता है टू ए के इक्वल होता हैल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देंट्रिसिटी ऑफ द लिप्स इज निकाली हमने फाइंड आउट इफ इट्स लेटेस्ट एक्टम इज इक्वल टू न हाफ ऑफ द माइनर एक्सेस सो लेटेस्ट रैक्टम एल आर इजिकल टू वन बाई टू ऑफ माइनर एक्सेस हो गया सम. लेटेस्ट रेक्टम क्या है टू बी स्केयर अप ऑन ए वन बाय टू माइनर एक्सेस हमारे पास क्या है टू बी के इक्वल जी टू के साथ टू कट गया बी के साथ बी कट जाएगा ए इजिकल टू टू बी आ जाएगा ए इजिकल टू टू बी आ गया इसेंट्रिसिटी का स्केयर कर लेते हैं वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर स्केयरअपऑन ए स्केयर होता है ठीक है जी सॉल्व करके वन माइनस बी स्केयर अपऑन ए स्केयर आना था सो so ए की वैल्यू डाल दो ए की वैल्यू क्या है फोर बी स्केयर माइनस बी स्केयर अपॉन फोर बी स्केयर फोर बी थ्री बी स्केयर अपऑन फोर बी स्केयर सो थ्री बाई फोर आ जाएगा और ई e की वैल्यू अंडू थ्री बाई टू इज द राइट ऑप्शन 3 by 2 is the को दूसरी तरह से भी बड़ी बार पूछा जाता है कि लेटेस्ट रेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी जी भी मैथड सेम होगा सो so, उसको भी आप अच्छी तरह से करना इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में है कि रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड आउट करना पासिंग थ्रू द कहाँ से पास करा फोकाई ऑफ द लिप्स एंड हैविंग सेंटर और उसका सेंटर भी हमें गिवन है सो देखिए ए स्केयर हमें गिवन है 16 और बी केयर नाइन है सबसे पहला काम फोकाई निकालना पड़ेगा हमें और बीस केयर इज इकल टू ए स्केयर वन माइनस ई स्केयर सो बी स्केयर हमारे पास है नाइन बाई सिक्सटीन वन माइनस ई स्केयर इट मीन्स ई स्केयर इज इकल टू वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन सो ई की वैल्यू अंडू सेवन बाय ई स्केयर हमारे पास ये है सेवन बाय सिक्सटीन लिख लेते हैं और ई e की वैल्यू अंड्र सेवन बाई फोर आ जाएगी ये और फोकाई हमें पता है फोकाई हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस ए ई e. कॉमा ज़ीरो ठीक है जी क्योंकि ए बड़ा है ना इसलिए प्लस माइनस ए ई e. और ए की वैल्यू हमारे पास फोर आ जाएगी और फोकाए हमारे पास क्या आ जाएगा फोकाए हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडू सेवन और ज़ीरो सेंटर का ये पॉइंट दे रखा है डिस्टेंस फार्मूला लगा लो सो रेडियस हमारे पास क्या आएगा रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला अंडू सेवन माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर स्क्वायर सो so ये क्या आएगा सेवंथ प्लस नाइन एंड सिक्सटीन फोर फोर इज द रिक्वायर्ड आंसर द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द लिप्स एंड हैविंग सेंटर एट जीरो थ्री ठीक है जी डिफरेंट क्वेश्चन थे ये yeah. देखिए ये क्वेश्चन जितना देखने में अजीब लग रहा है उतना ही आसान है देखो सबसे पहले एलिप्स को सिक्सटीन एक्स केयर प्लस ट्वेंटी फाइव वाई स्केयर टू फोर हंड्रेड सो एक्स स्केयर बाय ट्वेंटी फाइव वाई स्केयर बाई सिक्सटीन टू वन ये आ गया ई की वैल्यू फाइव बी फोर सो पी एफ वन प्लस पी एफ टू फोकस से लेके पॉइंट पॉइंट से लेके फोकस तक Uh, का जो डिस्टेंस होता वो एक एक है वो टू ए के को लगता है टू इंटू फाइव टेन इज द रिक्वायर्ड आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन देखो कितना आसान था ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लिप्स नाइन एक्स केयर सिक्सटीन वाई स्केर वन फोर्टी फोर सो एक्स स्केयर बाय सिक्सटीन बन जाएगा वाई स्केयर बाई नाइन इज इक्वल टू वन ए स्केयर हमारे पास सिक्सटीन है बी स्केयर नाइन है इट मीन्स ए फोर है बी थ्री है ये तो काम बन गया सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट सम ऑफ फोकल डिस्टेंस अभी किया टू ए के इक्वल टू इन टू फोर एट के इक्वल डी इज द राइट ऑप्शन D is the right option of this sum. ठीक है जी लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को मैथ्स इन वेंस ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच हो सके बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ टू सी मोर एंड मोर इफेक्टिव वीडियोस फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक मास्टर कैडर जे ट्रिपली एंड एन थैंक्स and have a nice day.